समय दिया, फ्यूचर मिस इंडिया हमारे साथ बैठी हुई है और हम टाइटल भी लगाएंगे फ्यूचर मिस इंडिया। क्या कहना चाहेंगी अपने सपनों के लेकर? सपनों को लेकर यही कहना चाहूँगी कि अभी सपना बस देख रखा है और अभी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा। लेकिन आप मेहनत कर रही हूँ और आप लोग का संदेह और भोजपुरी रील्स देखते हैं, मेरी लाइक कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाती हैं। 6 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, कितना कमा लेती हैं आप? वही 70 to 80 thousand। 70,000 से 80,000 तक? जी, क्या बात है दर्शकों, आप सुन रहे हैं, रील्स बना के 70 से 80 हज़ार तक की कमाई की जा सकती है। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन के समय में टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन वही टिकटॉक जो है वो इंस्टाग्राम पे शुरू हो चुका है और इंस्टाग्राम पे रील इतना जल्दी वायरल हो जाते हैं ना कि एक छोटा सा कलाकार जो है रातों रात फेमस हो जाता है। हम बात करेंगे एक ऐसी टिकटॉकर से जिसका नाम है पिकाचू गर्ल, हमारे साथ है शालिनी आनंद जी। हम आज इनसे बात करेंगे और दर्शकों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये इंटरव्यू काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि जितने भी टिकटॉकर्स हैं या जितने भी इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और इंस्पायर से भरपूर जो है आपको वीडियो जो है आपको जानकारी मिलेगी। और कुछ लोग हताश हो जाते हैं कि हमारे रील्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मैं अच्छा नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं, आप लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है, तो लास्ट तक का वीडियो जरूर देखिएगा। शालिनी जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे पहले सवाल ये है कि टिकटॉक वगैरह तो बंद हो चुका है, इंस्टाग्राम पर कब ख्याल आया कि आप जो है रील्स बनाएं? जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ था नहीं, क्योंकि कॉलेज में भी छुट्टी था तो कुछ घर पे थी, तो टाइम पास हो नहीं रहा था और ऊपर से टिकटॉक ये सब बंद हो चुका था, तो ट्राई किया कि रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम। बनाती हूँ। अभी दर्शकों को जरा बताइए आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 6 लाख होने वाले हैं उस पर। जी, 6 लाख पूरे होने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके 400-500 भी नहीं हो पाते हैं, तो उनको यही बोलेंगे कंटिन्यू करते रहो आज ना कल, क्योंकि किस्मत कभी पलट सकता है और कभी वायरल हो सकता है। पहले मैं भी बनाती थी, पहले हिंदी सॉन्ग पे बनाती थी, मुझे लगता था कि टाइम पास है, फिर भी मैं टाइम पास ही कर रही थी क्योंकि भोजपुरी में बना नहीं रही थी, बट मैंने ट्राई किया और अचानक मेरी वीडियोस वायरल हो गई। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वीडियोज़ वायरल होना, 6 लाख फॉलोअर्स पूरा होना, इसके पीछे आपके अंदर का हुनर जैसे कि एक्टिंग मॉडलिंग छिपा हो? ये तो सबके, मतलब जितनी भी लड़कियां या बॉयज जो भी है, सबके अंदर रहता है कि उनको अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तभी हो पाएगा। जी, इंटरेस्ट रहता है तभी होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्टिंग और मॉडलिंग पसंद है? हाँ, वो बचपन से पसंद है। लेकिन आप प्रोफेशन की बात करें, आप डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट? पापा को पसंद था कि मैं मेडिकल करूँ, बट मेरा मन था बचपन से कि मैं मॉडलिंग करूँ। पापा का मन था कि आप डॉक्टर बने, तो आप डॉक्टर बन गए, और आपका मन था कि एक्टर या मॉडल बने, तो आपने इंस्टाग्राम पर शुरू किया और आज आप एक बेहतर एक्टर और मॉडल भी हैं। जी जी, कहाँ तक सफ़र है आपका जाने वाला? अभी बहुत लंबा सफ़र चलने वाला है। फिर भी कहाँ तक, भोजपुरी में, इंडस्ट्रीज में या बॉलीवुड में, साउथ हॉलीवुड, कहाँ तक? ज़्यादा चांस है बॉलीवुड में जाने का। जी, और अब जितना टाइम लगे, क्योंकि ऊपर किसी का सपोर्ट नहीं है, जो भी है मेरी फैमिली का ही सपोर्ट है और जो भी मैं खुद से कर रही, क्योंकि कोई इंडस्ट्री का कोई भी मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर या कोई कुछ, कोई भी नहीं, मतलब भी फैमिली बैकग्राउंड इंडस्ट्री से नहीं है? नहीं, बस जो भी है मम्मी पापा का सपोर्ट है और जो खुद पे सेल्फ डिपेंड। बॉलीवुड में जाना चाहती है? हाँ जी। भोजपुरी में क्यों नहीं? भोजपुरी में क्योंकि मुझे भोजपुरी आता भी नहीं है और उस लाइन में। लेकिन आपके इंस्टाग्राम पे लगभग 90% रील्स भोजपुरी पे ही है, क्योंकि भोजपुरी में वीडियोस बनाना, फैंस को पसंद है भोजपुरी, और मेरे जितने भी फैंस हैं वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भोजपुरी पसंद है और भोजपुरी रील्स देखते हैं मेरी, लाइक कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। लेकिन जाना है बॉलीवुड में? जी। बॉलीवुड में आपका रोल पता है? बॉलीवुड में एंट्री के लिए सबसे पहले ऑडिशंस देने पड़ते हैं? जी, पता है मुझे। आपने ऑडिशन दिया हुआ है कभी? नहीं, अभी तक नहीं, अभी मैं ट्राई नहीं, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट ईयर मिस इंडिया का फॉर्म फिलअप करना है। अरे क्या बात है, मिस इंडिया मतलब आप कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली हैं? जी। इससे पहले कोई कॉन्टेस्ट में अपने मॉडलिंग या रैंप वॉक में? मिस ग्लोबल बिहार में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड विनर भी हुई थी वहाँ पे। जी जी, तो सबसे पहले उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और बाकी आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाली है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं और दर्शकों की तरफ से भी शुभकामनाएं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें और भारत के मतलब विश्व स्तर पर जो आप
लोगों के सामने आए। जी आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप बॉलीवुड में जाएंगे सबसे पहले वहाँ का रोल होता है ऑडिशन, आपको उसका रूल पता है ऑडिशन कैसे होते हैं या मुंबई में कैसे स्ट्रगल करते हैं? स्ट्रगल थोड़ा बहुत पता है मुझे, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पता है मुझे। जी क्या क्या होता है, कैसे लड़कियों को वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ दर्शकों को बताइए, अगर आप बताएंगी तो दर्शक जो भी लड़की गर्ल्स देख रही है वो अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऑडिशन चलते हैं हमेशा, शॉर्टकट नहीं चलता है? नहीं, शॉर्टकट नहीं है वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब आज मॉडल रेडी हुई कल शूट स्टार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियाँ सोचते हैं कि हम मुंबई जाएंगे और तुरंत रातों रात स्टार बन जाएंगे विद्या बालन जी की तरह। जी ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब फेक है, ये सब फेक है। रात मतलब कि रातों रात कोई भी स्टार नहीं बन सकता? नहीं, रातों रात से बेवकूफ बना सकता है कोई, वो बेवकूफ बना सकता है, आपको लगता है ना? जी। वैसे आप रील्स वीडियोस वगैरह बनाती हैं, 6 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, कितना कमा लेती हैं आप? वही 70 to 80 thousand। 70,000 to 80,000 तक? जी। क्या बात है दर्शकों, आप सुन रहे हैं, रील्स बना के 70,000 to 80,000 तक की कमाई की जा सकती है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हताश मत होइए, कोई भी अगर आपका टैलेंट है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या कुछ कुकिंग करने वाला कुछ भी टैलेंट हो, अगर हम इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो, स्टडी वाला भी बहुत सारे रील्स रहता है उस पे, बहुत कुछ रहता है। अगर कुछ गांव की लड़कियाँ जो घर पे चूल्हे पे खाना बनाती हो, उनको ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल पाता है, गांव तक ही सीमित लाइफ है, वो क्या कर सकते हैं इंस्टाग्राम से अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपनी ज़िंदगी को उभारने के लिए? अगर उनके पास टैलेंट है तो वो रील्स बना सकती हैं, वो किसी भी मैटर पर बना सकते हैं। हाँ, किसी भी मैटर, आप खाना का भी दिखा सकते हो या आप ब्लॉग भी बना सकते हो कि आप गाँव में कैसे रहते हो, क्या कुछ भी बना सकते हो। जी लेकिन गांव में रहने वाले निचले से निचले स्तर तक लड़कियां लड़के भी आगे आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं आएंगे, मैं भी तो गांव से बिलोंग करती हूँ, तो कोई भी आ सकता है, सब गांव से ही बिलोंग करता है, कोई अचानक नहीं शहर में रहने चला जाता है। रील्स बनाती हैं, कभी ऐसा कोई दिक्कत आया है कि कोई आपको कहे, क्योंकि समाज जो है ना वो कुछ कहता है, आपको क्या कहता है समाज? समाज है तो अब नाम, वो तो सुना ही है ना डायलॉग, नाम होगा तो बदनाम हो गई, तो बस बात वही, कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कुछ, तो अगर 100 में से 10 बकवास कमेंट रहते हैं तो मैं उसको लेके नहीं चलती हूँ, 90% जो मैं दे रहे हैं अच्छा, मेरे लिए अच्छा लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट अच्छा अच्छा दे रहे हैं, तो मैं उनको लेके चलती हूँ कि चलो। आलोचनाओं को आप कैसे नज़रअंदाज या मतलब वो कैसे उसको सॉल्व कर पाती है, जो आलोचनाएँ होती है कि फैमिली के लोग ये मतलब कि फलना की लड़की ये हो गई है, फलना की लड़की वो हो गई है, तो रील बनाती है तो फलना ठिकाना। अभी ये गांव में तो सबके गांव में ये होता ही है, ठीक है, क्योंकि अगर वो खुद की बेटी को नहीं देख सकते उस स्तर पे, तो किसी की बेटी को देखना नहीं चाहते कि उस लेवल पे जाए। उस चीज़ से कैसे आप बच पाते, मतलब अपने आप को कैसे संभालती हैं? उसको संभालने के लिए सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि आप, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको वो सब चीज़ मायने नहीं रखता कि बगल वाले क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, तो बस यही काफ़ी है। बॉलीवुड में जाने वाली है तो बॉलीवुड के सबसे बेहतर कलाकार आपको कौन अच्छा लगता है, एक्टर? पुराने मुझे अजय देवगन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और इधर फीमेल में मुझे माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती है। और मॉडल में, क्योंकि आप खुद मॉडल हैं? मॉडल में तो सारे अच्छे, इधर सारे अच्छे लगते हैं मुझे, सारे अच्छे लगते हैं। तो बॉलीवुड में कब एंट्री मारने वाले हैं या ऑडिशन के लिए कब तैयारी, क्या? अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत समय बाद जाएंगे बॉलीवुड, क्योंकि अभी कुछ ऐसा आया नहीं है, मतलब बहुत सारा आया है अभी, मतलब मेल आते हैं बहुत सारे, लेकिन सही मेल नहीं रहते, अब ऐसे थोड़ी चली जाऊंगी कि कोई बोले फेक ईमेल्स ज्यादा होते हैं, फेक ऑडिशन ज्यादा रहते हैं, तो आपको पता है ना मुंबई में फेक ऑडिशन ज्यादा होते हैं। हाँ जी, तो इसलिए मैं अभी जा नहीं रही। तो फिर आप कैसे क्लियर कीजिएगा कि फेक ऑडिशन क्या है, रियल ऑडिशन क्या है? वो पता चल जाता है ना, पता चल जाता है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप क्या कहेंगे, वो फैंस जो आपको पिकाचू गर्ल के नाम से जानते हैं, या वो लड़के लड़कियाँ जो इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं और थक हार के घर पर बैठ गए? जो थक हार के बैठ गए हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि आप ट्राई करते रहो, आज ना कल आप जरूर बेस्ट कर पाओगे, अगर आपकी वीडियोज़ अभी नहीं जा रही, व्यूज़ नहीं जा रही, बट जाएगी, एक दिन ज़रूर जाएगी। और बाकी जो लड़कियाँ मतलब मॉडलिंग करना चाहती है, मिस इंडिया आपकी तरह बनना चाहती है, उनके लिए क्या कहेंगे? तो आप भी, क्योंकि आप तो फ्यूचर मिस इंडिया है।
ऐसा कुछ नहीं है, अभी नेक्स्ट ईयर पता चले। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, मतलब ट्राई अगेन तो करना ही, लेकिन कभी ना कभी तो बनना ही है। अगर उनको इसमें इंटरेस्ट है तो यही बोलेंगे कि आप ट्राई करो। तो चलिए, आपने मुझे समय दिया, फ्यूचर मिस इंडिया हमारे साथ बैठी हुई है और हम टाइटल भी लगाएंगे फ्यूचर मिस इंडिया। क्या कहना चाहेंगी अपने सपनों के लेकर, लास्ट सवाल ये है। सपनों के, सपनों को लेकर यही कहना चाहूँगी कि अभी सपना बस देख रखा है और अभी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा, लेकिन आप मेहनत जा रही है, मेहनत कर रही हूँ और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस यही है। चलिए, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू। तो दर्शकों, देख रहे थे हमारे साथ पिकाचू गर्ल थी, जिनके इंस्टाग्राम पे 6 लाख जो है फॉलोअर्स पूरा होने वाला है और इनका सपना है मिस इंडिया बनने का। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, इनके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए। और आपको मैं बता दूँ, नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर जब मिस इंडिया का जो है अवार्ड होगा और वहाँ पर वोटिंग चलेगी, तो पिकाचू गर्ल को आप लोग वोट जरूर कीजिएगा। हमारे तरफ से आपका, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।